अगर जंग के दौरान टैंक्स के एक फॉर्मेशन को पानी सामने मिल जाए तो वो क्या करेंगे, और क्या आपने कभी पानी में चलने वाले टैंक्स के बारे में सुना है? दोस्तों, वर्ल्ड वॉर टू के जमाने से एम्फीबियस असॉल्ट व्हीकल्स यूज में हैं। ये ऐसे स्पेशलाइज्ड टैंक्स होते हैं जो पानी में लॉन्च किए जाते हैं। ये पानी में तैर कर सामान, हथियार, गोला बारूद और सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। ये स्पेशली मॉडिफाइड टैंक्स होते हैं जिसमें ऑक्सीजन के लिए एक ब्रीदिंग ट्यूब दी होती है जो वर्टिकली इरेक्ट हो जाती है, और जब टैंक पानी में फ्लोट कर रही होती है तो इसका क्रू जो इसको अंदर चला रहा होता है उनको ऑक्सीजन सप्लाई करती है। चाहे बीहर बंजर जमीन हो, जंगल हो या नदियों का पानी, इन टैंक्स को रोकना नामुमकिन है। क्या इंडिया के पास ऐसी टैंक्स है? इंडियन आर्मी के पास T-90 भीष्म और सारथ दो ऐसे टैंक्स हैं जो एम्फीबियस कैपेबिलिटी रखते हैं और पानी में भी चल सकते हैं। सारथ को तो इंडियन आर्मी का विजय रथ कहा जाता है। पानी में उतरने से पहले इसमें क्विक ऑटोमेटिक मॉडिफिकेशन होता है और ये एक बोट के शेप की बन जाती है जो पानी में भी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ सकती है। किसी भी आर्मी को ये एक ऐसी बेहतरीन रीच देते हैं कि उसके दुश्मन कांप जाए। कमेंट्स में हमें बताइए कि पानी में चलने वाले टैंक्स आपको कैसे लगे।